हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स दो प्रकार के आप देख सकते हो। ज़्यादातर टाइम पे आप ये देखते हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चेकआउट करते हैं, तो उसमें जो एक्स है, जो डोमेन है, एक्स किस पर्टिकुलर इंटरवल से आ रहा है वो दिया रहता है। हम कभी उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, लेकिन अब क्या होता है कि बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जनरली जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है ना किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसी में से वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जनरली उस डोमेन को कंसंट्रेट नहीं करते, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको जेई लेवल पे मिल जाएंगे जहाँ पे डोमेन के कारण अगर डोमेन डिफरेंट हो गया तो आंसर डिफरेंट हो जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। इसके कारण से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव्स के समटाइम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ जो कॉमनली यूज होते हैं ना उनके बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने ये स्टार्ट किया सबसे पहले कि डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। तो सबसे पहले आपको टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स फंक्शन, ये किस प्रकार का फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होगा और ये कैसे ओपन होगा। जैसे आप मॉड को ओपन करते, जैसे जिप फंक्शन को आप ओपन करते, वैसे ही आप टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के ब्रांचेस में डिफरेंटली ओपन होगा। आते पहले इसके ग्राफ को समझते हैं। तो इसका ग्राफ पहले बात तो ये देखिए कि इसका जो डोमेन है, यानी एक्स एक्स टेन एक्स का जो डोमेन होगा ना, वही टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स फंक्शन का डोमेन होगा। मतलब डोमेन तो ये क्लियर हो गया कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में टेन एक्स डिफाइंड नहीं होता है, तो ये तो इसका डोमेन है। तो फिर इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज आपको ये भी पता चल गया कि इसका रेंज सारे के सारे रियल नंबर्स। अब टैन इनवर्स किसी भी रियल नंबर के लिए अगर डिफाइंड हो रहा है, तो उसका जो रेंज है, उसका जो वैल्यू है, वो हमेशा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आएगा, ओपन इंटरवल। तो इसका रेंज रेंज ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स ये होगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये इसका रेंज है। ठीक है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि टेन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का भी पीरियड पाई ही होगा। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है देखिए। ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू और ये जीरो, आपको मालूम है कि पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू इसके डोमेन में ही नहीं है, तो वहां पे टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स डिफाइंड नहीं होगा, ये टेन एक्स डिफाइंड नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, इसकी रेंज जो होती है ना वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होती है। तो ये पाई बाई टू, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये माइनस पाई बाई टू। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली में इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन होगा, जहां पर ये, यहाँ पे मैं सर्कल लिख दूंगा, दैट सर्कल शोज दैट कि ये जो टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स है वो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है। तो ये ग्राफ देखिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग द स्लोप। अब स्लोप पता कर लीजिए, स्लोप कितना है, स्लोप तो वन ही है इसका, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव वन आ गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अब ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में से अगर एक्स आ रहा है, तब इसका ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आप ये दूसरी ब्रांच को देखिए जो पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच में, और ये पाई है, तो यहां पर भी जो आपका ग्राफ है ना वो ऐसे ही शो करेगा, इसी प्रकार का ये ग्राफ होगा। फिर से यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू इसके डोमेन में ही नहीं है, तो वापस ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है जिसमें इसका स्लोप फिर से वन है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन को देखना जरा, इसका इक्वेशन तो वाई जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है, वाई माइनस जीरो, स्लोप वन है,
एक्स माइनस जीरो मतलब ये ओवरऑल वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, करेक्ट है क्या? ओके फाइन। तो बेटा अगर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू से एक्स आएगा, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में अगर एक्स लाई कर रहा है तो टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एज इट इज ओपन होगा वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच से आ रहा है तो इसका मतलब जो टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स है वो एज इट इज ओपन होगा, मतलब टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो फाइनली तो डेरिवेटिव में आ गया मैं वन आ गया, तो इसको कैसे ओपन करना है वो भी मैंने बता दिया। अब देखो अगर मान लीजिए पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच से अगर एक्स आ रहा है तो आपका ये स्टेट लाइन है, और इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये पाई कॉमा जीरो से पास हुआ है तो वाई माइनस जीरो स्लोप तो वन ही है, एक्स माइनस पाई तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये होगा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो ऐसे ही आप इधर और सारी चीजों को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन डेफिनेटली एक्स माइनस टू पाई आ जाएगा जब आपका डोमेन मतलब एक्स थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू से आएगा। तो इधर यहां पे भी आ जाते माइनस पाई बाई टू, इधर मैंने ले लिया माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है ये माइनस पाई है। तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो अब आप देखेंगे कि टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स ये कैसे कैसे ओपन हो रहा है। ये y इज इक्वल टू एक्स में ओपन हो गया एज इट इज ओपन हो गया, x माइनस पाई में ओपन हो गया, फिर x माइनस टू पाई में ओपन होगा, लाइक दैट x प्लस पाई में ओपन होगा, और फिर आगे इसी प्रकार से हम इसको ओपन करते रहेंगे। अच्छा अब ये किस में ओपन हो रहा है एज इट इज, जब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच से x आ रहा है, जब थ्री अपना पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच से एक्स आ रहा है, जब माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच से एक्स आ रहा है, तो इस प्रकार से टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स फंक्शन ओपन हो रहा है। अगर आप देखें तो डेरिवेटिव इन ईच केस, यहाँ से भी पता चल गया कि इन सबका स्लोप तो वन ही है, इन सबका स्लोप कितना है वन है। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हो गई कि डेरिवेटिव अगर हम टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का करेंगे तो वो हमेशा वन ही आएगा। और ये क्लियर है ग्राफ से भी कि स्लोप जो होता है ना वो इन सारे स्ट्रेट लाइंस का वन आता है। तो ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स फंक्शन। तो आपको ये बार बार यूज करते रहना पड़ेगा ओपनिंग कि एक्स एज इट इज ओपन हो गया, टैन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू एक्स को हम बोलेंगे इट इज ओपन एज इट इज बिकॉज द एक्स इज कमिंग फ्रॉम द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई।